नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। इस वक्त की एक दुखद खबर, बहुत ही दुखद खबर हमारे बीच बाड़मेर से आ रही है, जो वाकई में इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, क्योंकि बाड़मेर जिले में आज सुबह से ही तेज बारिश चल रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और अभी बारिश चल रही है। आप देख सकते हैं कि हम पूरी तरीके से भीग चुके हैं और सुबह 6 बजे से अभी तक बारिश का दौर जो है वो जारी है। करीब 1 बजे है और उसके बाद भी बारिश जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में एक दुखद खबर बाड़मेर जिले के गड्ढरा रोड थाना क्षेत्र से बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है कि पानी के तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल दुखद खबर इस वक्त की बाड़मेर के गड्ढरा रोड थाना क्षेत्र के अम्बिका पार गांव की है, जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर सटा हुआ गांव है अम्बिका पार। वहां पर आज सुबह करीब 10 बजे की बात है, 3 युवक वहां पर गए थे और वो तालाब में डूब गए, जिससे 3 की मौत हो गई है। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू चला, बीएसएफ के जवानों ने और आसपास के लोगों ने, वहां पर गोताखोरों ने काफी कोशिश की उनको बाहर निकालने की, लेकिन 2 घंटे बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तब तक 3 की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद गड्ढरा रोड प्रधान सलमान खान है, वो भी मौके पर पहुंचे थे। गड्ढरा रोड एसडीएम, गड्ढरा रोड पुलिस, बीएसएफ, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक उनको बाहर निकाला गया तो 3 की मौत हो चुकी थी। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस बारिश ने कहर बरपा है बाड़मेर पर। तेज बारिश के चलते तालाब पूरे लबालब हो चुके थे और पानी के जो नाले चल रहे थे, इन नालों के कारण भी पानी इतना भर चुका था कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और वो मिट्टी दलदल जो थी उसमें पूरी तरीके से फंस चुके थे और 3 की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव मोर्चरी में, गड्ढरा रोड मोर्चरी में रखवाया है और एक उनका भाई जो है मृतक है, उनका एक भाई घायल हो गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उनको 3 भाइयों के हालात देखी तो वो घायल हो गया और उसे बाड़मेर के जिला अस्पताल लाया जा रहा है। 3 के जो नाम सामने आए हैं, आरिफ पुत्र इदरीस खान उम्र 30 साल, रजाक पुत्र मजीद खान उम्र 32 साल और अजीज पुत्र हसन खान उम्र 34 साल, ये 3 के नाम सामने आए हैं। और इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर है गड्ढरा रोड थाना क्षेत्र के अम्बिका पार गांव, जो तामलोर के पास ये गांव है, वहां की एक दुखद घटना है। तो मेरी जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आज बारिश के ऐसे हाल बने हुए हैं और अभी बारिश रुकी नहीं है। जगह जगह पर हमें सूचनाएं मिल रही हैं, फोन आ रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी भर चुका है, जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों का घरों से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। ऐसे में प्लीज आप सब लोग सावधानी बरतें और बच्चों को और विशेषकर सब लोग पानी भरा वाले क्षेत्रों से दूर रहें। इसी बीच एक दुखद खबर ये भी आई कि अगोरिया के पास एक कार पानी तेज बच चल रहा था और अचानक से सड़क पर पानी के नाले बहे तो कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। ये दूसरी खबर अगोरिया से है, सभी गुजरात अहमदाबाद निवासी थे और तनोट राय मंदिर, माताजी मंदिर जा रहे थे। इस दौरान कार पलट गई और 5 लोग घायल हो गए और 3 पानी के तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद खबर है। पानी के भराव वाले स्थानों से दूर रहें, हम पहले भी अपील करते आए, क्योंकि ये घटना पहली नहीं है कि पानी के तालाब में डूबने से इस प्रकार की कैजुअल्टी हुई है। पहले भी इसी क्षेत्र रामसर क्षेत्र के पास सैलाऊ गांव में पानी के तालाब में 4 बच्चे डूब गए थे, इसमें 3 की मौत हो गई थी। देवका के पास 2 बच्चों की मौत हो गई। इसी प्रकार से लगातार पानी के तालाबों में डूबने से अकाल मौतें हो रही हैं। सभी लोग सावधानी बरतें और पानी के तालाबों से दूर रहें। तो ये दुखद खबर गड्ढरा रोड के अम्बिका पार गांव की है, जिसमें पानी के तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत हो चुकी है।